2024 लोकसभा का चुनाव आज पार्टी बिलाई का चुनाव होगा। हम यह संकल्प लेते हैं कि आज हम सभी मिलकर के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने के लिए दो दो हाथ करने के लिए 2024 लोकसभा का इंतजार कर रहे हैं। गाँव में 100 में 4 बेरोजगार हैं, क्या पूरे के पूरे बेरोजगार हैं? नेताजी मुलायम सिंह यादव का चेहरा आज भी अखिलेश यादव के चेहरे में दिखाई पड़ रहा है। मनमोहन सिंह चिराग के दरवाजे जो हमारे भूलंद अनेक राज्य उभार रहे हैं, उनके सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारणों को आगे ले जाने की चाहत इस भारत में बड़ी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज हम संकल्प लेते हैं मानव और कांची राम जी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर हम यह संकल्प लेते हैं कि आज हम सभी मिलकर के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने के लिए दो दो हाथ करने के लिए 2024 लोकसभा का इंतजार कर रहे हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव आज पार्टी बिलाई का चुनाव होगा। जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी नहीं होने दूंगा। आप जानबूझ करके जाति विशेष के लोग जो निर्दोष हैं उन पर FIR दर्ज कर उनके सम्मान सम्मान को तोड़ा जा रहा है, उनके हौसले को तोड़ा जा रहा है। जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों के घरों का जानबूझ करके उनके बाबा दादा पुरखा के जमाने के बड़े घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, लोकतंत्र की मर्यादा के अंतर्गत रह करके अगर राजनीति के नेता काम करेंगे तो टिकाऊ होंगे, लंबे चलेंगे। अगर लोकतंत्र में ताना सही चलाएंगे, हिज्जत सही चलाएंगे तो मैं कह देना चाहता हूं भाजपा के नेताओं को, जो आप बुलडोजर की राजनीति चला रहे हो, जो बंदे की भावना से काम कर रहे हो, जो विपक्षी पार्टियों को फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनके हौसले को तोड़ रहे हो, लोकतंत्र को खत्म करने की आपकी साजिश, संविधान को बदलने की साजिश, देश को फिर से गुलामी की ओर और भटकाने की ओर ले जाने की साजिश नहीं। केवल एक बार झूठ नहीं बोला उन्होंने, जिन्होंने बजट को देखा होगा बजट में क्या कहा कि हमने इतने रोजगार दे दिए, इतने नौकरी दे दी है कि उत्तर प्रदेश में अब बेरोजगारी दर केवल 4% कुछ बची है। और इसका मतलब यह है कि 100 में 4 ही केवल रोजगार गांव में बचे हैं, बस सबको रोजगार मिल गया है। अरे आप तो गांव वाले लोग हैं, गंगा किनारे वाले लोग हैं, तो मैं गंगा जी कसम ये बताओ, गंगा माँ की कसम सच बोल रहा हूं, गांव में 100 में 4 बेरोजगार हैं, क्या पूरे के पूरे बेरोजगार हैं? बिजली के बिल में कितना वसूल ले सरकार, और जो 100 नंबर 112 है वो कितना वसूल ले? ये जो 100 नंबर शुरू की थी इसलिए की थी जिससे कि हमारे गरीब की मदद हो, और अगर खेत में या कहीं कोई घटना हो जाए तो पुलिस समय पर पहुंच जाए। टीपी लेकिन बताओ 100 को 112 करके क्या कर दिया? और एम्बुलेंस जो थी हमारी 102 108 उसका क्या हुआ? ये जो अस्पतालों में इलाज मिल जाता आपको, जो अस्पतालों में दवाई मिल जाती,
आज किसी अस्पताल में चले जाओ आप, अगर आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको इलाज नहीं मिल पाएगा। और अगर आपके ऑपरेशन की जरूरत है तो समय पर सरकारी अस्पताल में आपको ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अगर आपको ऑपरेशन कराना तो जाइए प्राइवेट में या किसी और अस्पताल में, आपको नहीं दिए देगी सरकार। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग आवाज ना उठाएं, इसलिए आपको राशन मिल रहा है। आप किसान भाई शोर न मचाएं, इसलिए आपको सम्मान राशि मिल रही है। इसलिए अनाज के और उसके चक्कर में तो नहीं पड़ जाओगे आप। इसलिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ एक बार फिर स्वामी को, जिन्होंने माननीय काशीराम जी की प्रतिमा को लगा करके उन्होंने नई पीढ़ी को सोचने के लिए मजबूर किया। और कम से कम ये प्रतिमा जो लगी है उससे बहुत बहुजन समाज के लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। माननीय काशीराम जी ने जो संघर्ष किया, जो रास्ता दिखाया, और नेताजी ने जो साथ लिया था उस समय पर, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आ गया। हम लोगों ने भी कोशिश की कि बदलाव आ जाए पूरा, हम लोग कामयाब नहीं हुए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जनता इस समय जागरूक हुई है और जिस तरीके से जनता बदलाव की तरफ चल रही है, आने वाले 24 में और 27 में न केवल उत्तर प्रदेश और देश में बदलाव होकर के रहेगा। इसलिए उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ।